स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं पूरी डिटेल, बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और आप भी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ वो 23 जून 2024 को जारी हुआ है वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून, जो यहाँ से जो है गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट जारी हुई है। तो देख सकते हैं वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड विभिन्न कैंपस संस्थानों में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी विधाओं में सहायक प्रोफेसर अंशकालिक अवधि पदों पर पूर्णतः अस्थायी और स्वयं वित्तीय पोषित के आधार पर अधिकतम 11 माह की अल्पकालिक अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन ऑनलाइन एवं डाक के माध्यम से कुल सचिव कार्यालय में दिनांक 5 जुलाई 2024 तक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी आवेदन ऑनलाइन लिंक ऑफिसिकल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो देख सकते हैं आप इसकी ऑफिसिकल वेबसाइट, आप देख सकते हैं, देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले 11 मंथ के लिए है ये टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर और सैलरी जो 57,700 के हिसाब से आपको मिलेगी। और आपको जो है वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है चंदवाड़ी प्रेमनगर देहरादून में आपको 5 जुलाई 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हार्डवेयर इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी है। तो टोटल अगर मैं पोस्टों की बात करूं तो देख सकते हैं इसमें टोटल जो है जनरल की 3 पोस्ट हैं और इसमें जो है जनरल की 6 पोस्ट हैं। AWS में 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर सोटा एंड इंजीनियरिंग में। तो देख सकते हैं 3 पोस्ट है जिसमें से SC की 2 हैं और 2 जनरल की हैं और 1 OBC की है और 1 SC की है। आगे डिपार्टमेंट से लिखे हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद में वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है, फिजिक्स अप्लाइड साइंस में 1 पोस्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोगेश्वर में केमिस्ट्री की 1 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखिए 1 पोस्ट है और इंग्लिश में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है और फिजिक्स में 1 पोस्ट है। उसके बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर, तो देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, इंग्लिश में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, फिजिक्स में 1 पोस्ट है। उसके बाद में नाही पारी सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड पिथौरागढ़ से सिविल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई पोस्ट नहीं, मैनेजमेंट में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, इंग्लिश में 1 पोस्ट है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाऊ उत्तरकाशी में दे सकते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, मैनेजमेंट में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट है, फिजिक्स में 1 पोस्ट है। और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में देख सकते हैं केमिस्ट्री की 1 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है, इंग्लिश में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, फिजिक्स में 1 पोस्ट है। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी देहरादून में देखिए सकते हैं फार्मोलॉजी, फार्मेटिक्स और फार्मेटिकल केमिस्ट्री में 2 पोस्ट है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट देहरादून में फाइनेंस HRM मार्केटिंग में 2 पोस्ट है। तो देखिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, 11 मंथ के लिए हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छे पर्सन क्वालिफिकेशन अगर मेंशन की हुई है, जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट जारी हो उसमें नेट हो, स्लेट हो या गेट क्वालिफाई हो या फिर PhD हो, तो इसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, वो लोगों के रहने वाली है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रहने वाली है। तो देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फीस के फॉर्म फिल करने के बाद में आपको स्पीच पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए।